अगर आपके पास एक ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो आपके मन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल आता होगा कि काश मैं अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है इस महीने नहीं दे पाऊंगा और मेरे पास एक और क्रेडिट कार्ड होता तो मैं उस क्रेडिट कार्ड की मदद से अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को चुकाता, यानी कि बिल भरता। जैसे कि मेरे पास ये SBI का कार्ड है, तो SBI का कार्ड में मान लीजिए मेरे पास आउटस्टैंडिंग है 3000 रुपीज़ और मेरे पास ये है एक्सिस का कार्ड। तो अगर मेरे SBI का कार्ड में पैसे डालना है एक्सिस के क्रेडिट कार्ड में तो आप कैसे डाल सकते हो? काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, वो लोग तो यहाँ तक कि अमेज़न पे में आपका जो ऑप्शन आता है वहाँ पर नहीं शो करता, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप गलत जगह जा रहे हो। तो एक क्रेडिट कार्ड का बिल आपका आ चुका है, उसको पे करना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो किसी और दूसरा क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। इसका मैं प्रोसेस बताऊँगा प्रैक्टिकली। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मेरा कहाँ पर बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है और मैं कैसे पे करूँगा। जैसे कि मेरा एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में ही क्रेडिट कार्ड में मेरा बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में पहले दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं मेरा 30 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। जितना भी मेरा बैलेंस था वो मैंने ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो ये 30 रुपीज़ को मैं पे करके आपको दिखाऊँगा कैसे हम किसी और दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि अमेज़न एप्लीकेशन से भी, अमेज़न पे में भी हम कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा देता हूँ हो रहा है कि नहीं। अमेज़न पे में हम क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कार्ड का बिल पे करना है ऐसे सेलेक्ट करेंगे पे बिल में। इसके बाद एंटर अमाउंट करेंगे, जैसे कि हम 31 रुपीज़ करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं मैं आपको सबसे पहले दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, अमेज़न पे बैलेंस है, अमेज़न पे UPI है। इसके बाद लिंक अनदर बैंक अकाउंट टू UPI है, UPI एप्स नेट बैंकिंग है। तो यहाँ पर कहीं भी क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर MobiQuick एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। ये एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। तो जैसे आप MobiQuick एप्लीकेशन में अपना KYC को कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने ही क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन का यूज़ करके ही मैं आपको पे करके दिखाऊंगा। इसके बाद किस कार्ड का पेमेंट आपको करना है यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्रेडिट कार्ड का नंबर डालते ही आपका क्रेडिट कार्ड का ऊपर में लोगो आ जाएगा, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि आपको कितना रुपीज़ पेमेंट करना है। जैसे कि फेच क्रेडिट कार्ड बिल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा आपके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर हम अमाउंट एंटर करेंगे। 30 रुपीज़ बाकी था, हमारा 31 है, लेकिन यह बोल रहा है कि आपको 100 रुपीज़ से ज़्यादा ही पेमेंट करना है। चलिए हम यहाँ पर 100 रुपीज़ पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे 100 का, इस पर क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है UPI का है, सेकंड वाला क्या है वॉलेट बैलेंस है, तीन नंबर क्या है अदर पेमेंट ऑप्शंस, जहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे लेटर सभी शामिल है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद पे 100। यहाँ पर देखेंगे कि हमको किस कार्ड का बिल किस कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है। जैसे कि हम जो कार्ड पहले एंटर किए थे उसी कार्ड का बिल अभी पेमेंट करेंगे, जो कार्ड को सेलेक्ट करेंगे उस कार्ड में पैसा कटेगा। अगर इसमें लिस्ट नहीं है तो नीचे अपना डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे ऐसे। इसके बाद क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर 102 पेमेंट करना होगा, यानी कि 2 रुपीज़ कट रहे हैं। इसके बाद जैसे आप नीचे क्लिक कर देंगे तो ये प्रोसेसिंग ले लेगा। बस यही चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर 2% से ज़्यादा पैसा कट रहा है। हाँ, अगर आपको 200, 500, 1000, 2000, 5000 के अंदर करना है तो आपका 100 रुपये के अंदर काम हो जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आप यहाँ पर ज़्यादा पेमेंट करना चाहते हैं तो 2% कट रहा है। हाँ, ये बात अच्छी है कि आप एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हैं किसी और क्रेडिट कार्ड में तो ये ऑप्शन अच्छा है, बाकी अदर कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर हम OTP को एंटर करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे और देखेंगे कि ये कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं हमारा
SBI क्रेडिट कार्ड का बिल तो देख सकते हैं, हमारा SBI क्रेडिट कार्ड में 100 रुपीज़ कट चुका है, मोबीक्विक में 100 रुपीज़ आ गया है, और एक्सिस बैंक में जो हम कटाना चाहते थे उसका कट गया है। तो शायद उन्हीं का कॉल है SBI कार्ड का, क्योंकि रात में यहाँ पर शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो मैं जो पैसा कटा तो ये फ्रॉड के नाम पर चला गया बोल के मेरे हिसाब से कॉल आया है। तो चलिए अब हम देखते हैं, पेमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम देखते हैं एक्सिस बैंक में ये अपडेट हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, पेमेंट भले ही हो चुका है लेकिन यहाँ पर अपडेट होने के लिए 24 आवर का टाइम लगता है। तो जैसे अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 दिखाएगा और -70 रुपीज़ दिखाएगा, क्योंकि हमने 70 रुपीज़ ज़्यादा ही पेमेंट कर दिए हैं। सो इस तरह से अपना एक क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो बिल को अगर आप चुका नहीं सकते, आपको कोई दिक्कत आ रहा है, पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कोई और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा वे है मेरे हिसाब से। भले ही परसेंटेज ले रहा है लेकिन कहीं और आप इस तरीके से पेमेंट नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना भूलिएगा मत।